पहला क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है? देखो अभी हुआ क्या है, यूक्रेन और रूस इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इसी युद्ध के चलते भारत सरकार ने यूक्रेन से जो इंडियन सिटीजन्स हैं इनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा इसको लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा इसको लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शनों की। जर्मनी, जर्मनी की जो कैपिटल है ये है बर्लिन। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है यूरो। फ्रांस की बात करें, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है यूरो। देखो बात यहाँ पे यूक्रेन भी है ना, तो यूक्रेन की आप लोकेशन देख लीजिए, ये है यूक्रेन। ये इसकी कैपिटल है किव, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है। और हेलेनविया ये करेंसी है। वोलोदिमिर जेलेंस्की ये राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के। यूक्रेन की बाउंड्री ब्लैक सी के साथ टच होती हैं, ये फैक्ट आप याद रखेगा। सेकेंड क्वेश्चन, किस राज्य के सिंधु दुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा, यानी MSME टेक्नोलॉजी सेंटर? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को स्टार्ट किया था। उत्तराखंड में भारत का पहला इसरो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे? उत्तराकाशी में नीदरलैंड की सहायता से। अब बात महाराष्ट्र की हुई है तो लोकेशन देखिए आप। उससे पहले महाराष्ट्र का करंट अफेयर देख लीजिए। पहला पॉइंट, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाडा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत का टैग मिला है। महाराष्ट्र की सरकार मिशन कवच कुंडल शुरू किया। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र राज्य सभी जिलों में एंट्री ड्रग सेल स्थापित करेगा, ये निर्णय लिया गया था। 9 पॉइंट, वन्यजीव कार्य योजना 2021-2030 पारित करने वाला पहला राज्य है ये महाराष्ट्र बना है। अब लोकेशन देखिए आप, ये है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। इन 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मुंबई कैपिटल है, 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। 36 जिले हैं लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। बॉम्बे में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। और देखो महाराष्ट्र, गोवा और DNHDD ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती हैं, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। गुगुमल नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तदुबा अंदरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। अब लेक की बात करते हैं, लोनार लेक काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, और वीना लेक, दोनों लेक महाराष्ट्र में है। कोयना डैम, इसे लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। मूला डैम, उज्जैनी डैम, ये भीमा डैम के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि ये भीमा रिवर के ऊपर है। जयकवाड़ी डैम। तो ये थी महाराष्ट्र की बेसिक इन्फॉर्मेशन। और ये बाउंड्री में आप देखो यहाँ पे 6th राज्य भी लिख लीजिए, ये कौन सा है? गोवा। तो महाराष्ट्र की बाउंड्री 6 राज्यों से लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूला घाटी किस राज्य में है? ये भी न्यूज़ में है, ये है हिमाचल प्रदेश में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हिमाचल प्रदेश। बात करें दूसरे ऑप्शनों की। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना को स्टार्ट किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सॉल्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया। उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहली बार मॉन्क फ्रूट की खेती स्टार्ट की गई, जिसके बीज चाइना से लाए गए थे। बात हिमाचल प्रदेश की हुई है तो लोकेशन देखिए आप, ये है हिमाचल प्रदेश। अब इसकी बेसिक डिटेल समझ लेते हैं। 2 कैपिटल हैं, शिमला समर कैपिटल, धर्मशाला विंटर कैपिटल। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री, राजेंद्र अलेरकर राज्यपाल हैं। 12 जिले हैं लोकसभा की 4 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 68 सीटें हैं। शिमला में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। बाउंड्री की बात करें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन 6 के साथ हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है। 2022 में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया कब? 27 फरवरी को। कब मनाया गया? 27 फरवरी को। थीम क्या है 2022 की? थीम है फूड फ्यूचरिज्म। इसे पहली बार 2020 में मनाया गया था, ये फैक्ट आप याद रखेगा। बात करें दूसरे ऑप्शनों की। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे ये मनाया जाता है। और 22 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड स्काउट डे। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे ये मनाया जाता है। तो 4th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 27 फरवरी।
2022 में किस तारीख को वीर सावरकर की पुण्यतिथि मनाई गई, यानी डेथ एनिवर्सरी मनाई गई, तो ये कब मनाई गई? 26 फरवरी को। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये मनाया जाता है। 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सिस डे। 19 फरवरी को वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया गया 2022 में, क्योंकि ये दिवस हर साल फरवरी में तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर है, 26 फरवरी। रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए, ये किया गया है नीना गुप्ता को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करें दूसरे ऑप्शनों की। देखो, रजनीश सेठ, इनका नाम आपने सुना होगा, इनको महाराष्ट्र का नया DGP अपॉइंट किया गया है। विनीत जोशी, इनको CBSE का न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। RK सबरवाल, इनको मंगोलिया का हाईएस्ट अवार्ड द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, इससे सम्मानित किया गया है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT ने किसान ऐप लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की ने किसान ऐप इसको लॉन्च किया है। ये एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ हैं इनको बेटर तरीके से परफॉर्म किया जा सके। हाल ही में किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अभिषेक सिंह को। डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की। दुर्गा शंकर मिश्रा, इनको उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया। आमिर सुबहानी, इनको बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया। राकेश शर्मा, इनको IDBI बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कौन? रोहित शर्मा। बी ऑप्शन जो है ये 9th क्वेश्चन का सही आंसर है। 10th क्वेश्चन, किस देश में भारतीय उच्च आयोग ने सुवर्ण जयंती छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है बांग्लादेश में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इराक की बात करें, इराक की कैपिटल बगदाद है, ओमान की कैपिटल मस्कट है, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। बात हुई है बांग्लादेश की, तो ये रही बांग्लादेश की बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये आपको खुद ही कवर कर लेनी है, सिंपल भाषा में लिखी भी हुई है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। यूक्रेन खबरों में रहा कि शहर किस देश की राजधानी है? यूक्रेन सही आंसर है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड ने भारतीय रेलवे के लिए किस राज्य के बीना में 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र का सफलतापूर्वक प्रारंभ कर दिया? मध्य प्रदेश सही आंसर है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर सही आंसर है। 2022 में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? तो ये 27 फरवरी सही आंसर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नितिन परांजपे सही आंसर है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने 25 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 70वां स्थापना दिवस मनाया। ये तो थे कल के क्वेश्चन। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? किस राज्य सरकार ने 25 फरवरी 2022 को राज्य की कृषि निर्यात नीति यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी शुरू की है? थर्ड क्वेश्चन, फरवरी 2022 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? किसको सांख्यिकी भौतिकी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायत्रम का आयोजन शुरू हुआ? द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।